ये भी तुमने मुझसे क्या कहा? यही कि सुरैया किसी को पसंद करती है, और यही बात मैं वहां पर सबको कहना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि वहां पर ना कोई सच सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। ये बात मुझे कोइंसिडेंटली पता चली थी, मैंने सोचा पहले सुरैया से कंफर्म कर लूं। प्लीज फातिमा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, समझी? क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारा शक और वहम है। सुरैया कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और हमारे यहाँ की लड़कियां इश्क, आशिकी, मोहब्बत जैसी चीजों में नहीं पड़ती। क्यों? ये सब तुम्हारे घर के लड़कों को जा सकता करने की? लुक कनीज़ फातिमा, आई एम वार्निंग यू, तुम प्लीज किसी से कुछ मत कहना। दादाजी ने सुरैया का हामिद से रिश्ता तय कर दिया, अंडरस्टूड? ये जुल्म है सुरैया के साथ, गलत है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। डेविड, तुम उसके बड़े भाई हो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हो गया, मुझे अब चेंज करना है। Idiot. इकबाल बेटे, मैंने तुम्हारा रिश्ता फैज के साथ तय किया है। फैज मेरे कजिन अमानत अली का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। अंकल अमानत से तुम मिली तो हो ना? जी बाजी। इंशाल्लाह बहुत खुश रहोगे तुम, बस इसीलिए तुम्हें बुलाया था। अब अपनी भाभी को भेजो ताकि हम शादी की तैयारी शुरू करें, ठीक है बेटा? जीती रहो, खुश खाओ।